यम य शुपते शिवित ब्रह्मेति वेद बौद्धा प्रमाण प्रमाणपटव कर्ते नैयायिका अर्थ जैन शासनरता कर्मेति मीमसका सोय वो विदा बांछितैलोक्यनाथो हरिः आज द्वितीय नवरात्र है द्वितीय नवरात्र के दिन भगवती बेष्टमी के जो नौ रूप हैं उनमें दूसरे रूप का दर्शन कर रहे हैं दूसरे रूप की आराधना कर रहे हैं सभी भक्तजन दूसरा नवरात्र सभी के लिए मंगलकारक हो यहाँ पर मैं ये आपको बतलाऊंगा आप सभी जानते भी हैं क्योंकि इसी प्रांत के जम्मू कश्मीर प्रांत के रहने वाले हैं हमारा जम्मू कश्मीर प्रांत शक्ति प्रधान प्रांत है इसमें शक्तियों की महिमा और उनकी कृपा हम सब पर रही है पूरा विश्व भगवती वैष्णवी के दरबार में आता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करता है और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि कश्मीर में खीर भवानी माता का मंदिर है और शारिका भगवती माता का मंदिर है भद्रकाली माता का मंदिर है यहाँ पर सभी लोग जाकर के अपने अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं हमारे इस जम्मू क्षेत्र में जम्मू प्राविंस में जो सरथल माता है भद्रा में और उसके बाद हमारी चौंतरा माता उधमपुर ज़िले में रामनगर तहसील में है पिंगला माता रामनगर तहसील में है और सांबा में चीची माता इसको कहा जाता है बड़ी शक्तिशाली स्थान पीठ है और जम्मू के साथ ही मिलते हुए जो हिमाचल स्थान है उस स्थान पर शक्ति पीठों की शक्ति शक्तियों की स्थानों की भरमार है जैसे कि कांगड़ा माता है जैसे कि चामुंडा माता है जैसे ज्वाला माता जी हैं चिंतपूर्णी माता जी हैं नैना माता जी हैं इस प्रकार से ये शक्ति स्थल जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत में और इसके साथ लगते हुए हिमाचल प्रांत में सभी लोगों का ये भग, शक्ति शक्तियां जो हैं ये उपकार कर रही हैं उनको आशीर्वाद दे रही हैं और ये वास्तविकता है कि यह शक्ति प्रधान हमारा यह प्रांत ये इसके साथ लगता हुआ जो हिमाचल प्रांत अपने आप में सर्वत्र सम्मानित है सर्वत्र एक प्रसिद्ध है और इन्हीं शक्तियों के बारे में इन्हीं शक्तियों की पूजा जो है वो नवरात्र में होती है और नवरात्र में असंख्य लोग जो हैं वो इन पीठों पर जाते हैं और जा कर के अपनी आराधना करते हैं कुछ लोग अपने अपने घरों में उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियाँ अपने पूजा रूम में रख कर कर के उनकी आराधना करते हैं और उसी आराधना से जो एक शक्ति उपार्जन करते हैं नवरात्र क्या है ये छः महीने के लिए शक्ति अर्जित करने के दिन हैं छः महीनों के इन नवरात्र से लेकर के अगले नवरात्र आने तक हम भगवती माँ से शक्ति से ये एक शक्ति प्राप्त करते हैं कि हम मैं सब प्रकार की शक्ति रहे और धन धान्य ऐश्वर्य और हमारे जो पारिवारिक पारिवारिक लोग, लोग हैं उनके सब प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण होती रहें हमारे जो अरिष्ट हैं या अनिष्ट हैं वो सारे के सारे दूर हों और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें क्योंकि शक्ति से ही सब कुछ होता है और यदि शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है और जो शक्ति की जब हम उपासना करते हैं तो उस समय हमारी भावना जो है वो सबसे बड़ी रहती है और उसके प्रति जो हमारी एक विशेष ध्यान और जो एक उसकी निष्ठा है वो सबसे बड़ा कारण बनती है इसलिए शक्ति की उपासना करने के लिए और इन छः महीनों में जो शक्ति हमने छः महीनों के लिए जो शक्ति हमने अर्जित करनी है उसके लिए हम सावधान हो रहे हैं और कल से हमने इस नवरात्र को प्रारंभ किया हुआ है और ये निश्चित है कि आप अपने ध्यान को कभी आगे पीछे मत कीजिए अपने ध्यान से भगवती वैष्णवी की आराधना कीजिए और इस आज्ञा चक्र में क्योंकि जब प्रथम नवरात्र से शुरू हो रहे हैं तो ये हमारे छह चक्र हैं एक सर्वप्रथम मूलाधार है फिर स्वाधिष्ठान है फिर मणिपुर है अनाहत है विशुद्ध है और आज्ञा चक्र है तो आज्ञा चक्र में आप जब ध्यान के बाद उस भगवती का ध्यान करते हैं तो भगवती निश्चित ही उस स्थान आया है तो उसमें यह है कि यदि आप ध्यान से तल्लीनता से यदि आप काम करेंगे तो वो सारा का सारा ठीक प्रकार से होगा उसमें यह हमारी जो शैलपुत्री है ये हम नवदुर्गो की जब हम पूजा करते हैं तो शैलपुत्री की पूजा आपने कर दी है आज ब्रह्मचारिणी की पूजा आप कर रहे हैं और ब्रह्मचारिणी क्या है ब्रह्मचारिणी मतलब उसको उसका नाम क्यों पड़ा ये हिमालय की पुत्री थी और नारद के उपदेश से इन्होंने शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी कठोर तपस्या की थी और उस कठोर तपस्या से ही इन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण की और ऐसी कठोर तपस्या कि सबसे पहले तो इन्होंने जो अपने सौ वर्ष तक कंद मूल फल खा करके अपना निर्वहन किया और तपस्या करती रहीं उसके बाद हजार वर्ष तक फल इत्यादि खा करके अपना तपस्या करती रहीं और अपने जीवन का निर्वाह भी करती रहीं उसके बाद बहुत समय तक ये खुले आकाश में और तथा धूप में और सर्दी में ये अपनी तपस्या को निरंतर जारी रखी और उन समय तपस्या करती रहीं उसके बाद तीन हज़ार वर्ष तक बैल वृक्ष जो होता है बेल वृक्ष बेल वृक्ष के गिरे हुए नीचे पत्ते जो थे उनको खा खा करके इन्होंने अपना जो तपस्या जो थी वो लगातार निरंतर जो थी वो जारी रखी और उसके बाद इन्होंने पत्ते को खाना भी छोड़ दिया और जब पत्ते को खाना छोड़ दिया आपने देखा होगा कि भगवती वैष्णवी के नामों में या पार्वती के नामों में एक अपर्णा नाम है एक उमा नाम है तो वो इसी तपस्या से दोनों नाम जो हम पड़े हैं एक अपर्णा नाम पर्ण पत्ते को कहते हैं और जब पत्ते को खाना छोड़ दिया तो ना पर्ना अपर्णा अर्थात पर्ण पत्ते को खाना भी जिसने छोड़ दिया है इसलिए उसका नाम अपर्णा हो गया और उसके बाद फिर जब इसका ऐसा हुआ कि भाई इसकी तपस्या से इसकी जो तपश्चर्या थी उससे सभी लोग जो थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत ज़्यादा लोग देवता ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व जो थे वो सभी एक आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी तपस्या इस ब्रह्मचारिणी ने की है और उसके साथ साथ ही इनकी माँ जो थी माँ अपनी पुत्री ब्रह्मचारिणी को देखा बहुत कृष हो गई है बड़ी कमज़ोर हो गई है और माँ भी बड़ी हैरानगी से ओ माँ इस प्रकार से ये क्या क्या इस प्रकार से कहती हुई जब उसने ये देखा तो उस समय हैरानगी से बोलने के कारण से उ माँ ये इस प्रकार तो उसका नाम उमा पड़ गया तो ये दोनों नाम जो हैं ये उसी समय उसी तपस्या के समय के हैं ऐसे तो शिवा भवानी रुद्राणी शर्वानी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा अनेकों नाम है। लेकिन उस समय इनका नाम जो था वो ये उमा भी पड़ गया उस समय सभी देवताओं ने कहा कि इतनी बड़ी तपस्या केवल ये इसी के द्वारा ही ये संभव है और कोई किसी प्रकार ऐसी तपस्या कर ऐसी नहीं सकता उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब अपने ध्यान से देखा तो इतनी बड़ी तपस्या जो करने वाली इसके सिवाय और कोई ऐसा हो भी नहीं सकता है ब्रह्मा जी ने अपनी आकाशवाणी के द्वारा कहा कि हे ब्रह्मचारिणी आप तपस्या से विरत हो जाओ आप तब तव... क्योंकि ये इतनी बड़ी तपस्या आपके द्वारा ही संभव थी और इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आप जिन शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं वो शंकर भगवान वो चंद्रमौली भगवान जो है ये आपको प्राप्त होंगे अब आप तपस्या से विरत हो जाओ आपके पिताजी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से देख करके जब उन्होंने ये देखा, तो ब्रह्मचारिणी जो थी ब्रह्मचारिणी की मनोकामना पूर्ण हुई और ब्रह्मचारिणी इस प्रकार के बात को लेकर के अब अपने आप में बहुत प्रसन्न थी कि मैंने तपस्या की और उस तपस्या से देवादिदेव महादेव जो है वो मुझे प्राप्त हुए अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि तपस्या प्राप्त करने के तपस्या के बाद और अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब ये जिसके इसमें सारा कारण क्या है इसमें सारा कारण है ब्रह्मचर्य और ब्रह्म वेद को कहते हैं वेदस्तत्व तपो ब्रह्म वेद नाम ब्रह्म का है तप नाम ब्रह्म का है तत्व नाम ब्रह्म का है इसलिए उस उसके आधार पर जो उस तत्व का आचरण करने वाली उस तपस्या का आचरण करने वाली है वो तपस्चारिणी जो है तपस्या का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी ब्रह्म वेद तद अध्ययनार्थम यद व्रतन तदपि ब्रह्म ब्रह्म वेद होता है उसको वेद को पढ़ने के लिए जो व्रत किया जाता है वो भी ब्रह्म होता है तदवद आचरण शेरमस्या उसके समान जिसका आचरण है वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कहलाती है इसलिए उस ब्रह्म को अर्थात ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म तेई को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न प्रयास करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है और ब्रह्मचर्य से ही सारा कुछ हो सकता है ब्रह्मचर्य हमारा जितना भी हम कहते हैं इसमें सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य क्या चीज़ है सामर्थ्य है ब्रह्म है कहते भी इसमें यादाश्त नहीं है यादाश्त क्या चीज़ है यादाश्त ब्रह्म, है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य तपस्या है ब्रह्मचर्य पराक्रम है ब्रह्म कर्म वेदुष्य है ब्रह्म कर्म ब्रह्मचर्य जो है वो हमारा हमारी स्मरण शक्ति है ब्रह्मचर्य विद्या को याद करने के लिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं हमारे जितने भी सब्जेक्ट विद्यार्थियों के जितने सब्जेक्ट जो हैं उन सब्जेक्टों को याद करने के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो उसमें ब्रह्मचर्य है और जो भी बड़े से बड़ा काम जो है वो हमसे नहीं होता एक दो चार आदमी मिल करके उसको ब्रह्म चारी के आधार पर अपनी तपस उसके पराक्रम के आधार पर एक तेज के आधार पर उसको हम भली प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्यु मुपागत ब्रह्मचर्य से देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया तो अब ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी शक्ति है संसार के इतने बड़े बड़े भारी देवता सबसे बड़े देवता देवाधि देव महादेव उनको प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं थी ये इतनी बड़ी बात और हजारों वर्षों तक उसने जो तपस्या की वो ब्रह्मचर्य के बलबूते पर की ब्रह्मचर्य नहीं हुआ होता तो कुछ नहीं हो पाता ब्रह्मचर्य क्या है मनुष्य में जितना भी सौंदर्य है वो सारा का सारा ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य समाप्त है तो सौंदर्य उसका समाप्त है अर्थात उसके शरीर का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा उसका शरीर जो है वो कृषि हो जाएगा उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी उसको विद्या पढ़ने में उसकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी इसलिए हम मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि किसी भी कार्य को करने के प्रति यदि आप तैयार होते हैं तो उससे पहले प्रतिज्ञा पूर्वक ब्रह्मचर्य को धारण करना बड़ा आवश्यक है अपने शरीर को परिपुष्ट करना आवश्यक है अपने शरीर को ताकतवर बनाना बलवान बनाना तेज से युक्त बनाना बड़ा आवश्यक है और ब्रह्मचर्य ही तेज का नाम ही ब्रह्मचर्य है और यदि हम इस प्रकार की बातों को लेकर के आगे करें तो हमारे जो समाज में जो विद्यार्थी हैं बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखे जाते हैं कि हमको याद नहीं होता हमने पढ़ा तो भूल गया कारण क्या है उसमें अपने ब्रह्मचर्य का संचय कीजिए और ब्रह्मचर्य को संचय करने के बाद फिर आप किसी भी प्रकार के काम को बड़े से बड़ा काम आपके जो लक्ष्य हैं आपका जो इरादा है वो सबसे बड़ा रखिए और उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही परिश्रम कीजिए उतनी ही मेहनत कीजिए फिर देखिए ब्रह्मचारिणी जो है वो आपके सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करेगी विद्या में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा सभी विद्यार्थियों को यह चाहिए कि उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी विद्या का जो विद्या रूपी जो आपकी तपस्या है ये तपस्या आ, ये नहीं है वे केवल आंखें बंद करके तपस्या कर विद्यार्थी जो एक तांग लगा करके एक निष्ठ हो कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पढ़ते हैं अभ्यास करते हैं वही तपस्या है और उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या यही है और इस तपस्या का फल उनको क्या मिलना है जब विद्या प्राप्त हो जाएगी जब बहुत बड़े टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बड़े ऑफिसर बनेंगे बड़े आदमी अधिकारी बनेंगे तो ये ब्रह्मचर्य का ही सारा फल है इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने आप को बलशाली बनाते हुए अपनी स्मरण शक्ति को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार एक स्वर्णमय जीवन आपका हो जाएगा मैं विद्या प्राप्त करने के लिए एक मंत्र बतला रहा हूं इस मंत्र का पाठ करने से इसका जप करने से इसका सप्तशती के मंत्रों के द्वारा संपूर्ण पाठ करने से विद्यार्थी जो है वो बिल्कुल लाभान्वित होते हैं और जो विद्याभ्यास करने वाले बड़े लोग भी जो हैं वो भी इससे लाभान्वित होते हैं उसका एक मंत्र है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तवी तो कया पूर्तम्बे ते स्तुति स्तव्यपरा परोक्ति विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा हे माँ जितनी भी विद्याएं हैं संसार में ये सारे के सारी विद्याएं आपके भेद हैं आपके ही द्वारा आप सृजित हैं स्त्रियाँ समस्ता सगला जगस् सभी स्त्री संसार की जो हैं वो सारा ही तेरा ही रूप है अर्थात स्त्रियों में भी शक्ति रूप में तो ही निवास करती हो तो ही कया पूर्तम्बे तुमने तो ही पूरे संसार को व्याप्त करके रखा हुआ है सारा संसार तेरे में ही विद्यमान है और का स्तुति स्तव्य पर ही इससे ज़्यादा और तेरी क्या स्तुति हो सकती है कि संसार में सर्वत्र सर्व जगह पर शक्ति रूप में तो ही व्याप्त है या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपे न संस्थिता नमस्त्य नमस्त नमस्त्येई नमो नम जो शक्ति के रूप में भगवती वैष्णवी जो है वो स्थित है और उससे वो आगे जो सब प्रकार के कार्य जो हैं वो ठीक संपन्न होंगे मैं इस समय आपसे थोड़ी सी बात करूंगा कि आ, क्योंकि वेद का नाम मैंने कहा भी वेद जो है ये वेद का नाम ही ब्रह्म है या ब्रह्म का नाम ही वेद है तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी और ब्रह्म तमश्चर्या जो करना जो है ये तो वेद क्या क्या देता है तो, तो अक्षर ब्रह्म जो है हम जो हमारा जो अक्षर है अक्षर जो क ख ग या ओम आ ई या ए बी सी जो भी है ये अक्षर ब्रह्म है और अक्षय ब्रह्म इनको क्यों कहा गया क्योंकि ब्रह्म जो है वो सृजन करता है और हम अपने वाणी के द्वारा उन शब्दों के द्वारा अपने भावों को आप तक पहुंचाते हैं सभी लोग अपने अपने भावों को दूसरे तक तो पहुंचाते हैं इसलिए वो शब्द हैं और उन शब्दों को ब्रह्म कहा गया है शब्द ब्रह्म सनातन विजितम शास्त्री के नचित तद्देवी ही सरस्वती स्वयं भूत काश्मीर देशमान तो उसके लिए ये कहा है कि भाई शब्द जो है ये ब्रह्म है और इसको इसको जानना बहुत आवश्यक है और वो कश्मीर में सरस्वती के रूप में ममण के रूप में इस प्रकार की वो देवी सरस्वती जो है वहाँ पर पैदा हुई तो ऐसी सरस्वती देवी जो बाघ अधिष्ठात्री देवी है वाणी की अधिष्ठात्री देवी है उस सरस्वती को हम भरी प्रकार से सरस्वती का पूजन करें और एक भरी प्रकार से उसका एक अभ्यास करें और उसके स्त्रोत्रों का उसके मंत्रों का पूजा पाठ करें तो सरस्वती जो है वो अवश्य ही हमको बा वरदान देगी और वाघ अधिष्ठात्री देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती है वो आपके मुख में विराजमान होकर के सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करेगी तो अक्षर ब्रह्म जो है वो क्या है अक्षर ब्रह्म से वेद हुए क्योंकि अक्षर नहीं होगा तो वेद कहाँ से आने थे इसलिए अक्षर ब्रह्म से वेद हुए वेदों ने क्या किया वेदों ने वेदों से कर्म हुआ वेदों ने कर्म करने की आज्ञा दी कि आप कर्म कीजिए वेदों से कर्म हुआ और कर्म से फिर क्या हुआ यज्ञ हुआ कि तो अच्छा जो कर्म करने हैं तो कैसे कर्म करने हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ जप दान तप तपस्या हवन इत्यादि देवताओं को प्रसन्न कर तो उससे उस समझ लीजिए फिर यज्ञ हुए और यज्ञों से फिर क्या हुआ वृष्टि बारिश हुई और बारिश से क्या हुआ अन्न हुआ और अन्न से सारी प्रयाग प्रसन्न हुई क्योंकि अन्नबई प्राण अन्न ही प्राण हैं और अन्न को प्राण कहा गया अन्न ही सब कुछ है तो इसलिए उस अन्न को प्राप्त करने के लिए हम बड़ी प्रकार से इस यज्ञ के माध्यम से जब आहुति देते हैं तो उस वो आहुति जो है वो उस सूर्य तक पहुँचती है हा? तो हमारे यहाँ पर यह कहा हुआ कि भाई जो हम आहुति देते हैं आहुति साक्षात सूर्य भगवान के पास जाती है और सूर्य से फिर आदित्य आज जाते वृष्टि बृष्टि अरन्नम प्रया तो आदित्य से बारिश होती है और बारिश से फिर अन्न होता है अन्न से फिर प्रया होती है ये एक सबसे बड़ी बात जो थी और हमारे जो हाँ जो हमारा एक भारतीय शास्त्र है उसमें मनुष्य के जीवन को जीने के लिए कई तरह की बातें कही अनुशासन के लिए कहा था नैतिकता के लिए कहा था सदाचार के लिए कहा था मनुष्य के व्यवहार एक दूसरे के साथ व्यवहार के लिए कहा था अपने बड़ों की आज्ञा को पालन करने के लिए कहा था तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं शास्त्र में मिलती हैं आजकल आप शिक्षा देखते होंगे शिक्षा में कोई नैतिक शिक्षा नहीं है कि भाई किसी बच्चे को किसी विद्यार्थी को वहाँ से ये शिक्षा केवल अपना सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट तो वो जान सकता है लेकिन शिक्षा जो है वो वहाँ पर नहीं क्योंकि पहले जो शिक्षा होती थी वो एक आम, पहली किताब से लेकर के बालोपदेश से लेकर के ये कहा जाता था ये प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए उसके बाद अपने देवताओं की पूजा कर नमस्कार करना चाहिए ये आजकल कहीं पर शिक्षा में नहीं है तो ये शिक्षा अब नहीं है तो ये कहाँ करना है अब ये माता पिताओं का कर्तव्य है उनका कि भाई हम जहाँ पर अपन भगवती की नमस्कार करते हैं भगवती की पूजा करते हैं तो माता पिता जो है उनको बतलाएँ कि भाई पूजा करने का तात्पर्य क्या है पूजा हम क्यों करते हैं और इससे हमें शक्ति जो है वो किस प्रकार से ती है तो इस प्रकार उन देवताओं को और अपने अपने हम यज्ञ से यज्ञ में कुछ यज्ञ हमारे श्रौत होते हैं कि स्मार्थ यज्ञ होते हैं श्रौत यज्ञ श्रुति मतलब वेद जो है वेद के आधार पर जो चलते हैं और स्मार्थ यज्ञ होते हैं जो स्मृतियों के आधार पर चलते हैं और हमारे यहां पर जो कहा है कि पांच प्रकार के यज्ञ हमारे मुख्य रूप से कहे गए हैं कि अध्ययनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ सुतर्पणम देवो होमो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि भोजनम एक अध्ययनम यज्ञ इस यज्ञ को तो सब ये पांच प्रकार के यज्ञ हैं कि अध्ययन पढ़ना अपना अपना अध्ययन करना अपनी स्टडी जारी रखना अपना निरंतर लगातार पढ़ते रहना ये ब्रह्म यज्ञ है तो यदि आप अपने प्रतिदिन पढ़ते हैं अपना ग्रंथों को पढ़ते हैं शास्त्र को पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है तो अध्ययनम अध्ययजनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ सु तर्पणम अपने हमारे जो माता पिता या दादा दादी जितने भी बुजुर्ग है, हैं उनको यदि हम प्रातःकाल अंजलि दे देते हैं जल को तो ये हमारा दायित्व बनता है क्योंकि हम उनके संतान हैं तो उनको जलांजलि देना उनको जलांजलि देना उनका तर्पण करना ये हमारा दायित्व है तो प्रत्येक व्यक्ति जल की अंजलि लेकर के उनके नाम पर तो छोड़ ही सकता है तो ये पितृयज्ञ हो गया अध्ययजनम ब्रह्मयज्ञ है पितृयज्ञ सु तर्पणम देवो होमो यदि ये कभी नहीं हो सके तो हफ्ते में सप्ताह में एक बार महीने में एक दो बार मतलब देवताओं को लक्ष्य रख कर करके देवताओं का मंत्र बोल कर करके और हवन करना जो है वो यज्ञ है देव हो तो जो कीट आदि जो पशु पक्षी इत्यादि जो हैं इनको बलि देना जो है ये भूत यज्ञ है और नृयज्ञो तिथि पूजन और मनुष्यों को या अतिथियों को मेहमानों को भोजन करवाना उनका सत्कार करना उनको ये नृयज्ञ है तो ये पांच प्रकार के यज्ञ जो हैं ये तो सर्वजन सभी लोग जो हैं वो कर सकते हैं इसलिए इन यज्ञों के माध्यम से हम आगे बढ़ें ताकि हमारी भारतीय जो परम्परा ये आय की यज्ञ की बात नहीं है हमारी भारतीय परम्परा रही है अतिथि का पूजन करना अतिथि के लिए कहा है कि अतिथि अतिथि जैसे बहुनाश हो गृह निवर्तते स तस्में दुष्कृतन दत्ता पुण्यमादाए गति जिसके घर से अतिथि मेहमान जो है वो बिना सत्कार किए हुए चला जाता है बिना जलपान किए हुए चला जाता है जब हम उसको पूछते नहीं हैं जब बिना भोजन किए हुए चला जाता है वो अपने जितने भी पाप होते हैं उस घर में दे देता है और उस घर के जितने पुण्य होते हैं वो लेकर के चला जाता है इसलिए अतिथि देवोभव अतिथि को देवता के समान समझो माता को देवता के मातृदेवोभव माता को देवता के समान समझो पितृदेव देवो भव पिता को देवता के समान समझो इस प्रकार की ये सब प्रकार की बातें जब हृदय में बैठा दी जाती थी तो मनुष्य जो था वह अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता था समय स्थान स्थान पर अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता था स्थान स्थान पर अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता था उनकी आज्ञा को पालन करता था अपने गुरुजनों का पालन उनकी आज्ञा का पालन करता था तो ये हमारे एक सामाजिक जीवन की परिचर्याएँ थी आज हमारा समाज जो था वो इसी से चलता था कोई आदमी किसी से कम नहीं था अपने अपने कर्तव्य पर सभी लोग जो थे वो व्यवस्थित थे मैं कहता हूँ भी यदि अपने कर्तव्य पर सभी लोग जो हम स्थिर रहें तो समाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समाज में कोई किसी प्रकार की आ, कोई परेशानी ही नहीं है जिस जिस व्यक्ति का जो जो काम है उस उस काम को अपनी निष्ठा से श्रद्धा से वो यदि करता है तो समाज में बताइए भी कौन सी प्रॉब्लम भी होगी कौन सी आ, एक खराबी होगी भाई हमारा समाज नहीं चल रहा है इसलिए अपने दायित्व को अपने कर्तव्य को समझें और अपने कर्तव्य को करते चलें इसके साथ साथ मैं अब इस आय के इस प्रथम द्वितीय नवरात्र के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हुआ और आप सबका अभिनंदन करता हुआ भगवती माँ से उस ब्रह्मचारिणी का जो दूसरा रूप है उससे प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी आपसी मतभेदों को भूल जाएं और हम सभी द्वेष भावनाओं को भूल जाएं हम सभी ईर्ष्या घृणा ये इस बात को सारी भूल जाएं और एक साथ मिल करके हम इस समाज को हम अपने राष्ट्र को अपने भारतवर्ष को उन्नत बनाने का प्रयास करें उन्नत बनाने की चेष्टा करें जिससे कि हम सभी एक एक अच्छे लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हों शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि यह ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आप सभी प्रसन्न रहें आपकी उपासना आपकी जो की जा रही जो तपस्या है आपकी की जा रही जो नवरात्र में जो उपासना है वो फलीभूत हो आपके मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो और विशेष आशीर्वाद जो है वो भगवती आपको दे मैं एक श्लोक के माध्यम से आपसे कहूँगा ऋग्वेद का मंत्र है इसी ऋग्वेद के मंत्र से मैं कहूँगा आपको आशीर्वाद दूंगा ओम द्रविनोदा द्रविना सस्तुरस्य द्रविनोदा सनारस्य प्रयमसत द्रविनोदा वीरवती मिशन्नो द्रविनोदा रास्ते आयुष्मान भव भव, 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 पुत्रवान्व श्रीमाझिषस्वी भव, भूतिक तेयस्वी भव, बैरीदर्पदलने व्यापार दो श्रीशंभोभ पादपूजनरता सर्वोपकारी भव, सर्वे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्रा पश्यंत माँ कच्चि भवेत् धन्यवाद